हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y16 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैसेज टोन को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यानी म्यूट कैसे कर सकते हैं। और ये मैसेज टोन सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये साउंड का, साउंड पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब साउंड के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये मैसेज टोन का, मैसेज टोन पे सेलेक्ट करना है। अब आपका मैसेज टोन का पेज ओपन हो जाएगा ना, मैसेज टोन के इस पेज में आपको ये सबसे ऊपर म्यूट का ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, म्यूट का ऑप्शन मिलेगा। म्यूट के सामने वाले सर्कल पे आपको सेलेक्ट करना है, तो आपका म्यूट के सामने वाले सर्कल पे इस तरीके से आपका ब्लू टिक लग जाएगा, यानी कि आपके ये मैसेज टोन सेटिंग आपकी जो है ना ये आपकी डिसेबल हो जाएगी, ठीक है, म्यूट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद मैसेज टोन सेटिंग आपकी किस तरीके से काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब भी आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई भी मैसेज रिसीव होगा, ठीक है, तो वो कोई भी किसी भी तरीके की टोन की साउंड क्रिएट नहीं करेगा, किसी भी तरीके का टोन क्रिएट नहीं करेगा, मतलब साउंड क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ म्यूट रहेगा, साइलेंटली एक तरीके से रिसीव हो जाएगा आपके फ़ोन में मैसेज, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना मैसेज टोन की, ये सेटिंग म्यूट करने के बाद यानी डिसेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके वीवो Y16 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको ये मैसेज टोन सेटिंग जो है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में ऑप्शन टाइप करना है, सेटिंग का नेम आपको मैसेज टोन, ठीक है, जो सेटिंग का नेम है ना वो आपको इस तरीके से टाइप करना है, तो आपको ये नीचे की साइड में मैसेज टोन का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है इस तरीके से। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।